नमस्कार, जय हिंद साथियों। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर फिजिकल जो है वो, जैसा कि आप सभी को पता है कि फिजिकल आपके 9 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और फिजिकल आपके कंटिन्यू 5 जून तक चलने वाले हैं विभिन्न केंद्रों पर, अलग अलग केंद्रों पर। यानी कि एक दिन में मात्र 200 बच्चों का जो है फिजिकल कराया जाएगा। तो पहली बात तो बहुत गर्मी है मध्य प्रदेश में। आपने जीके या जीएस में पढ़ा होगा कि सबसे गर्म जो महीना होता है वो आपका मई होता है, और उसी महीने में आपके जो है वो फिजिकल स्टार्ट होंगे, 9 मई से स्टार्ट होंगे और 5 जून तक रहने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। दूसरी बात मैं यहाँ पर बताना ये चाहता था कि काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये बताइए कि डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या ले जाना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या साथ में लेके जाने हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक बार में, तो ध्यान से आप लोग सुनना। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ एससी, एसटी और ओबीसी। इन तीनों लोगों को अपना सबसे पहले तो अपना जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो जाति प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। और अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट में अदर की बात करें, सबसे पहले बात हमने बोला है कि एससी, एसटी और ओबीसी को अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जरूर जाना है। तो वो लोग आप लोग अपना जो है जात प्रमाण पत्र भी डॉक्यूमेंट में शामिल कर लीजिए। हाई स्कूल और इंटर का सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना, सर्टिफिकेट, मार्कशीट या सनद वगैरह जो भी है, अगर अलग अलग है तो कुल मिला के दोनों साथ लेके जाना है। इसके ऊपर भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लेके जा भी सकते हैं। और अच्छा यही है कि आप ना लेके जाएं, क्योंकि 10th बेस पर आपकी वैकेंसी है, तो 10th और इंटर जो है वो पर्याप्त है। 10th और इंटर के, यानी कि 10th और 12th की अपनी मार्कशीट और सनद वगैरह जो भी है वो लेके जानी है आपको। और मैं एक सबसे महत्वपूर्ण अगर बात ये करूं कि अगर और आपको क्या ले जाना है, तो आपका जो अभी आपका जो क्वालिफाइड वाला जो आपका अभी डाउनलोड हुआ है, जिसमें आपको ये पता चला है कि आप क्वालिफाइड हैं, वो भी आपको अपने साथ लेके जाना है। और अभी जब आपकी फिजिकल की डेट दी जाएगी तो वो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, वो भी आपको अपने साथ में ले जाना है। और अगर आईडी के रूप में बात करें तो अगर आपने आधार कार्ड लगाया तो आधार कार्ड लेके जाना, और अपना दूसरा आप निर्वाचन वाला भी लेके जा सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ जनरल की। जनरल के लिए मैं अब आपको बता दूँ, जनरल के 10th से लेकर इंटर 10th और 12th की आपको मार्कशीट और सनद वगैरह जो भी है, आईडी कार्ड में आधार कार्ड और अपना निर्वाचन वाला आप ले जा सकते हैं। और उसके बाद में आपको मैं बता दूँ कि अपने और डॉक्यूमेंट में क्या ले जाना है। तो डॉक्यूमेंट में आपको जनरल वालों को जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये चीज़ आपको लेके जानी है। जनरल वालों को 10th और 12th की मार्कशीट सनद वगैरह, और आईडी में आपको आधार कार्ड और निर्वाचन वाला लेके जा सकते हैं। और उसके साथ में अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो लेके जा सकते हैं, अन्यथा उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरी, मैं अब सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी को अपना आय प्रमाण पत्र लेके जरूर जाना है। अगर आपके नाम का आय प्रमाण पत्र है तो अपना, अगर गार्जियंस के नाम का है तो आय प्रमाण पत्र लेके जरूर आपको जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस से अपना ऑनलाइन किया था फॉर्म, ये महत्वपूर्ण सूचना है, नोट करना। जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस से अपना फॉर्म सबमिट किया था तो वो ईडब्ल्यूएस अपना सर्टिफिकेट लेके साथ में जरूर जाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ये सारी चीजें सभी को ले जानी है। साथ में अभी जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो भी आपको ले जाना है। क्वालिफाइड वाला जो अभी आपका रिजल्ट आया उसमें आप क्वालिफाइड हुए हैं, वो भी आपको अपने साथ में ले जाना है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, 10th और 12th तक ही आपको अपनी मार्कशीट सनद वगैरह जो भी है वो ले जाना। आईडी की बात करें तो आधार कार्ड और निर्वाचन वाला लिए जाना है। और जनरल, सॉरी, एससी, एसटी, ओबीसी को अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जरूर जाना है। और आय प्रमाण पत्र सभी को ले जाना, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैंडिडेट है। आय प्रमाण पत्र अगर आपका खुद का है तो अपना लेके जाए, नहीं तो अपना गार्जियंस का लेके जाए। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड है, तो ये सभी चीजें आपको अपने साथ रखनी है। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस नई पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए आपको टॉप जीके क्वेश्चन और रीजनिंग और मैथ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएम ब्रिज को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी कराई जाती है। और जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सभी को एक बार फिर से मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।